यूपी के बुलंदशहर में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि घायल को सब्जी वाले वाहन से अस्पताल लाया गया है। तस्वीरें जनपद के खुर्जा क्षेत्र की हैं, जहां एक व्यक्ति दीवार से गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन कॉल करने के एक घंटे बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो गांव से सब्जी वाले के वाहन में खाट पर घायल व्यक्ति को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे। हम मीडिया वाले, अच्छा भाई आप भी परेशानी है तो एम्बुलेंस भी होनी चाहिए ना। अच्छा एम्बुलेंस ना मिली, ग्राम भूतगढ़ी माजरा गोटनी है, नहीं आ पाए तात्काल में। हमको इसलिए इमरजेंसी के सब्जी देखते हैं, इनकी सब्जी उतरवा के तब हम इनको लेकर आए थे। आखिर ये गिर पड़े थे, चोट लग पड़ी, जैसे दीवार से गिर पड़े थे, काफी इनके चोट आ गई, 3-4 जगह से फ्रैक्चर भी है। अच्छा काफी चोट है, गंभीर चोट है। मतलब फोन किया नहीं आ पाए, तात्काल में ये गाड़ी लेकर आए थे। कम से कम हमको एक घंटा वेट करना पड़ा, तब जाके गाँव में घूमे थे। ये डॉक्टर ने कहते हैं इसका इलाज यहाँ नहीं होगा, दिल्ली इलाज होगा। मिली जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति विशाल दिल्ली में होमगार्ड के पद पर तैनात है। तो वहीं घायल विशाल की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। सवाल ये उठता है कि इस महामारी में जब इमरजेंसी सेवाएं ही बदहाल रहेंगी, तो आम नागरिकों को किसके भरोसे बैठना पड़ेगा। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब खुर्जा से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हों। इससे पहले भी अपाहिज एम्बुलेंस की लापरवाही सामने आती रही है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।